दीदी हाँ, आज आप बड़ा सुस्त लग रही हो। क्या बताएं सहेली, तूने मुझे पूछ लिया, मन की सहेली तू बन गई। मेरे मन में बहुत बिथाए हैं, मैं क्या बताऊं। ज्यादा चेहरा सुस्त है, फागुन के महीने में ताबे सबने पूछ डाली। शादी होने के बाद 4 दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, उसके बाद पति ने कभी फोन ही नहीं उठाया, जब लगाया बिजी बताया। चौथी चले के बाद पूछो, मेरी सुन तो ले पूरी बात, तुम अपने दिल की बात रहती है, बात कहो पूरी बात। अरे सुन सकी हमारे नंबर दीजी बता दे, सुन तेरी हमारे नंबर व्यस्त बता दे, सहेली बोला। मुझे लगता है हमारा पति ना बहुत बड़ा ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी ना, हम तुम्हारी बातें समझ रहे हैं, मतलब दूसरे तो कांटेक्ट है। हमारा पति मुझे लगता है अखिलेश यादव की तरफ है। सुन ले, सुन के ने हमारी नंबर दीजी बता दे, सुन के ने हमारी नंबर दीजी बता दे। हमने सीटू माधव से कहा, गुरुदेव जी से फोन करके शिकायत कहा। फोन कर कहिए, आपके गुरुदेव हैं, हमारे छोटे भ्राता जी हैं। हाँ, आजकल यूपी में उनका नाम है। नाम है, है ना? हाँ, बिल्कुल है। कोने कोने में नाम है हमारी थोड़ी सी, जब आपस में 4 बर्तन हो जाते खटक जाते हैं ना, खटक जाते हैं। भाई भाई में थोड़ी हो गई मनचाल, 6 महीने से हमने कहीं निकाली भी नहीं। हंसी करने वाले के चेहरे उतर जाते हैं, लेकिन हमारा पति ऐसे हुए मतलब गर्मी में टोपा लगा के टीवी देखा तो रात में। अच्छा हाँ, और सुन ले बोलो। सुन बेने हमारी नंबर दीजी बतावे, सुन सटी हमारी नंबर व्यस्त बतावे। इतनी सुंदर थी ना जब चलती थी ना, अरे दैया गांव के रडुआ सब ने कमरे का देखा था। सुन तो ले बोला, जब हम सज धज के चलती थी ना, तब सीटू शास्त्री से कम 2-4 किलोमीटर पछेला पछेला गाड़ी ले जाते इस गाड़ी दियो। अच्छा, और सुना बोला, जब से आई हम ससुरे में घर में फूल खिले हैं, पिया हमारे लड़का बहुत तेज है, नंगला वाट से सुनील यादव जो ढोलक वादक है, ये तो तुम्हारे देव रहे ना। तुम कह रही है तो मतलब हम नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बात सुन बोलो। 2 मंजिल मकान ही घर में आफत हो गया, 2 मंजिल मकान ही घर में आफत हो गया,
और सुन मेरी बात सुन ले, बोला हम नीचे बुयू पर लेते सुवरा सो घुर्रावे। क्या हो प्रमोद भैया? हम नीचे बुयू पर लेते सुवरा सो घुर्रावे, मतलब तू तो समझ रहे ताँ ऊपर नहीं, मतलब वो दो मंजिल पे हम अखिलेश नीचे। हाँ समझ रहे, सुना बोला और फुसुर फुसुर और भुनन भुनन सब रात पिया बतला दे जीवन है बेकार न मर्द जी बतावे, सुन दे ने हमारी कोई न मर्द जी बतावे बेकार न मर्द जी बतावे हमारी न मर्द जी सुन दे ने हमारी कोई न मर्द जी बतावे सुन सकी हमारी न मर्द जी बतावे सौते हमारी और हो गई है। कौन सी? ये घरे घर से जब से कदुआ लोकिया चल ना बड़े बड़े वाले मोबाइल वाले सीतू ने बहुत मना करी मन लेन दे लेकिन बुना मानो और सुन ले बोलो। चार बजे उठ जा तो पिया जी फोन संग ले जावे, चार बजे उठ जाते क्या बताए सहेली फोन अखिलेश सुनाई छोड़त। अच्छा मोहे लगे रही है। चार बजे उठ जात पिया जी फोन संग ले जावे, दिन के बारह बजे सहेली लौट पिया घर आवे, कह राजे ससुमार न मर्द जी बतावे, सुन दे ने हमारी न मर्द जी बतावे पति की दशा। पति की बुराई करते हैं तो मैं नरक में चली जाऊंगी, लेकिन हकीकत बताऊंगी स्वर्ग में जाऊंगी। अच्छा सुन ले। एक कभी खेत पे कभी कुआं पे कबूतर चढ़ जावे, खेत पे सहेली घर में दो घंटे न रुक तुम्हारे पीर प्रमोद भैया दो घंटा की छोड़ो दस मिनट न रुक तू और सुन ले। बोला बोला बोला। कभी खेत पे कभी कुआं पे कभी अटा चढ़ जावे, योगेश शास्त्री जी राजकोट से मेरे चेहरे की तरफ देखो। हाँ मैं क्या कह रही हूँ मतलब कह रहा हूँ सुनो। कभी खेत पे कभी कुआं पे कभी अटा चढ़ जानो और पागल सो घूमे गलियन में कुत्ता सो बोरा, सोफिया हमारी न मर्द जी
सुन सखी हमार नंबर बिजी बता दे, सुन बहन हमार नंबर बिजी बता दे। माधव कैसे? खिरो मैनपुरी। अच्छा।